नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, बहुत सारी बातें आप तक आई होंगी, उस आधार पर समझना चाहता हूं कि यहां से चुनाव किस दिशा में आपको जाता हुआ फर्स्ट फेज के बाद, क्योंकि अभी 6 फेजेस बाकी हैं और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है। 102 सीटों पे मतदान, अब अगला जो है वो 89 सीट्स हैं और इसके बाद घटते हुए क्रम में है। और एक कहें तो इस चुनाव, लोकसभा चुनाव का एक पैटर्न अगर देखा जाए, समझा जाए, तो 102 सीटों के बाद क्या कुछ नजर आता है? देखिए राजीव जी, मैं लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों को पहले दिन से गिन के नहीं चल रहा हूं। मैं उसमें से, जो मैंने पहले भी कहा है कि 6 राज्यों की जो 150 सीटें हैं, जिसमें केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल है, उसमें बीजेपी का कोई परफॉर्मेंस पिछले चुनावों में कभी रहा नहीं। और कुल, मैंने कहा भी था कि कुल अभी तक 37 सीटें उनके पास रही हैं इन 150 में से 2019 में, और उसमें भी 25-26 सीटें कर्नाटक की हैं और 4 सीटें उनके पास तेलंगाना की हैं। तो वो अगर आप निकाल दें तो फिर उनके पास क्या बचता है, आप ये बताइए। उड़ीसा की सीटें बचती हैं केवल, जो 8 सीटें हैं जी। तो इसलिए मैं, आप अगर 400 सीटों का हिसाब से चलें कि 400 सीटें हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए हैं उन्होंने कोई 543 में तो खड़े किए नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। जो चर्चाएं हैं कि वो 450 या उससे कुछ ज्यादा पे खड़े करेंगे, तो ये तो मामला खत्म है कि 400 सीटें मिलेंगी या 370 सीटें मिलेंगी, पहले दिन से खत्म है। मुद्दा ये है कि दो चीजें हैं, बहुमत मिलेगा कि नहीं, और बहुमत नहीं मिलता है तो उनके साथ मोदी जी के नेतृत्व में कौन आकर सरकार बनाने के लिए ऑफर करेगा। ये अब ये जो ट्रेंड पहले चरण का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि जो वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है वो मेनली उन राज्यों में हुआ है जो बीजेपी के प्रभाव वाले राज्य हैं। जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 8.3% कम हुआ है, 6 सीटों पर अगर आप देखें जो आज मतदान हुआ है। अब 8.3% तो बहुत ज्यादा होता है राजीव जी जी। यहां बीजेपी के पास 28 सीटें हैं 29 में से, मतलब कांग्रेस के पिक्चर में ही नहीं है। राजस्थान में 6.7% कम हुआ है, वहां भी 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है और वो जो एक सीट है वो भी बीजेपी के सहयोगी दल के पास है। यूपी में 12 सीटें हैं, जो जिन 8 सीटों पर हुआ है चुनाव उसमें 6.8% डाउन हुआ है वोटिंग, और वो तमाम चीजें, वो जो सीटें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सहारनपुर की है, केराना की है, मुजफ्फरनगर की है, पीलीभीत की है और बिजनौर की है, नगीना की है, और वहां जो स्थिति है वो पूरी की पूरी खिलाफ है इनके। और ये कि ये स्थिति उत्तराखंड में है जहां 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास है और वहां भी 6.8% वोटिंग कम हुआ है, ये क्या बताता है? मतलब कौन लोग नहीं गए वोट डालने, जहां विपक्ष है ही नहीं वहां कौन नहीं गया होगा? और अगर विपक्ष ताकत के साथ जुट गया है तो विपक्ष के समर्थन में कौन लोग गए होंगे?
तो ये इंडिकेटर है कि जो आने वाले फेजेस हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ये पहले फेज में केरल की, ये तमिलनाडु की 39 सीटें हैं जी, अगले फेज में केरल की 20 सीटें हैं, सेकंड फेज में जो 89 का है उसमें कर्नाटक की 14 सीटें हैं, फिर से राजस्थान की 13 सीटें हैं, एमपी की 7 सीटें हैं। अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश राजस्थान कॉमन है फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जी, तो वो जो इसका जो प्रभाव है 6 सीटों का मध्य प्रदेश का या राजस्थान की सीटों का जो प्रभाव है वो क्या राजस्थान की 13 सीटों पर नहीं पड़ेगा? और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी अभी है, हमको देखिए 2-3 चीजें मानकर चलना चाहिए कि ये सरकार अब अपने डिक्लाइन पर है, मतलब उतार पर है, और इसमें जो बेसिक गलतियां हुई हैं वो उनको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी पर यकीन खत्म हो गया है लोगों का, और चूंकि पिछले चुनाव में कोई विपक्ष नहीं था और राहुल गांधी नहीं थे, आप देखिए कि जो प्रायोजित सर्वे आ रहे हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड हैं, जो बीजेपी को जिता रहे हैं, उनमें भी राहुल गांधी को 27% लोग पसंद कर रहे हैं और मोदी जी को 40% बताया जा रहा है जी। तो मोदी जी का इन्फ्लेटेड फिगर बताया जा रहा है और राहुल गांधी को कम करके बताया जा रहा है। तो ये जो फर्क आया है पूरा का पूरा, वो फर्क ये है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया है। आपने देखा ना, अमरोहा का जिक्र किया इन्होंने, वहां अखिलेश किस तरह से बैठे हुए थे, किस तरह की भीड़ थी वहां, या प्रियंका गांधी को आपने केरल में देखा हो कभी कि किस तरह की भीड़ है। ये बताता क्या है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो आपको भीड़ नजर आ रही है, ये वही भीड़ है जो राहुल गांधी के रास्ते पर थी जब वो यात्रा निकाल रहे थे, या मणिपुर से लगा के जो आपको बॉम्बे तक का जो रूट है, जहां आप इसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, ये जो भीड़ दिख रही है तेजस्वी की सभा में या विपक्षी नेताओं की सभाओं में, वो क्या दिख रही है? ये वही दिख रही है जो राहुल गांधी ने किया था जी। ये उसको इसको पुष्टि कर रहे हैं कि आप जब निकले थे तब हम थे, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं तब भी हम हैं आपके साथ। तो ये एक अब बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस देश में होने जा रहा है, और होगा ये कि जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले 6 फेजेस में प्रधानमंत्री कुछ ढूंढेंगे, कोई ऐसी चीज ढूंढेंगे जो आप जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, बाजी पलट गई वाला जी। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है जो इन्होंने जिक्र किया, 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूं, 3 चीजों का। 26 जनवरी को जो बाइडेन को बुलाना चाहते थे अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री, जो विदेशी गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, जो बाइडेन ने मना कर दिया आने से, अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति। एलन मस्क की टेस्ला वाले के मालिक और ट्विटर हैंडल एक्स के मालिक की यात्रा का कैंसल होना, जो इन्होंने प्रशांत जी ने कहा है, ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकेत है, सबसे बड़ा कह रहा हूं मैं। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो और जो इन्वेस्टमेंट में अग्रणी हो और जो पूरा चीन से शिफ्ट करके आपके यहां लाना चाहता है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, वो आदमी लास्ट मिनट पे अपनी यात्रा को कैंसिल कर रहा है, भारत के लिए इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कोई। अब आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मुंह से कि विदेशी ताकतें उनको सत्ता से हटाने के काम में लगी हुई है,
और भारत के कुछ लोग विदेशी ताकतों के साथ उनमें उनका साथ दे रहे हैं। ये एक जो इनका जो बीजेपी का एक नारा किस्म का हो गया है कि जब कभी इस तरह का संकट आता है तो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पहला फेज है जी जनता के स्तर पर तो वैसे ही चलेगा, प्रधानमंत्री के स्तर पर कैसा चलेगा हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे फेजेस बढ़ते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में निराशा बढ़ती जाएगी। छिंदवाड़ा का जो मेयर नकुलनाथ और कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में चला गया था वो छिंदवाड़ा में वोटिंग के दिन यानी कल सबसे पहला काम ये करता है कि नकुलनाथ को जितवाने की अपील करता है और ये कहता है कि मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं और मुझसे गलती हुई, मैं बीजेपी में गया। अब पलायन उल्टा शुरू होगा, वे तमाम लोग जो गए हैं यहां से बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में या दूसरे दलों से जी। अब उनका लौटने का क्रम शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह का और बीजेपी में एक बहुत बड़ी चर्निंग होने वाली है। मैं आपको बता सकता हूं कि एक जिसको नेतृत्व का संकट कह सकते हैं कि वो हो सकता है। हमको पूरी चीजों को देखने के लिए वेट करना पड़ेगा दो चीजों का जी, कि गुजरात में जो जिस तरह का विद्रोह है टिकटों को लेकर, आपने देखा होगा वो जो रूपाला का पूरा जो एपिसोड है और उनका टिकट बदलने की मांग जो वहां के राजपूतों ने की, पूरे के पूरे क्षत्रिय समाज ने की और इन्होंने नहीं बदला, और उसका स्पिल ओवर पूरे राजस्थान में, पूरे वेस्टर्न यूपी में आपको सब जगह दिख रहा है, जो क्षत्रियों में या उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, एक कैंपेन के तौर पर दिख रहा है कि राजपूतों को मार्जिनलाइज कर सकते हैं और बल्कि ये जो कैंपेन है कि चुनाव के बाद योगी को हटाया जा सकता है, इस तरह की जो कैंपेन है जी। या ये जो बात है कि मेरठ की सभा में योगी को इग्नोर किया गया, कैमरा उन पर फोकस नहीं किया गया, तमाम चीजें जो अब चल रही है इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते, पर गुजरात की पोलिंग जिस दिन होगी और उसके जब हम लोगों को 4 जून को गुजरात के नतीजे प्राप्त होंगे तब हम बहुत यकीन के साथ कह सकेंगे कि पूरा मामला किस दिशा में जा रहा है। गुजरात की पोलिंग जो है तीसरे चरण में है और 26 सीटों के लिए है, मतलब ये कि जो तीसरे चरण की 94 सीटें हैं जो 7 मई को है वो उसमें गुजरात भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। तो ये जो गुजरात का फैक्टर है ये बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज करेगा कि गुजरात में एक जो लोग वहां मुट्ठी बांध के बैठे हुए थे इतने सालों से, या पूरे बीजेपी में जो क्राइसिस है वहां जिसको ऊपर नहीं आ रही थी वो अगर फूटती है तो देखिए, इसमें जो एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी संकट में है। कुल मिलाकर ये है जो क्राइसिस है अस्तित्व का वो बीजेपी के सामने है और बहुत बड़ा क्राइसिस है जी। उससे अब बीजेपी कैसे निकलती है वो देखने की बात। गर साहब एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, जरा आपकी टिप्पणी उस पर भी चाहूंगा और हमारे तमाम साथियों की टिप्पणी भी उस पर चाहूंगा। एक आंकड़ा है 77 से लेकर 77 में अपोजिशन यूनाइट हुआ और सरकार बदल गई, अभी भी अपोजिशन यूनाइट हुआ है। चलिए इन कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं एक एक करके। उसके बाद 1980 से लेकर 2019 तक 11 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इन 11 लोकसभा के चुनाव के ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। 1980 में जब पिछले 11 लोकसभा चुनाव में 5 बार कम हुआ मतदान और बदल गई सरकार, ये रख रहा हूं आप लोगों के सामने। 5 में से ये जो 4 हैं उसमें पक्का बदल गई है वो देखिए। 1980 में इंदिरा गांधी आई थी, 77 में हार गई थी, 80 में आई थी और वोटिंग जो थी वोटिंग का प्रतिशत 5% कम हुआ था, 5.55% वोटिंग कम हुई।
1989 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उस समय 2.06% वोटिंग कम हुई। नरसिम्हा राव 1991 में बनते हैं और 5.22% वोटिंग कम होती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, हालांकि ये आपको याद होगा 98 के बाद 99 वाली सरकार है और 98 में भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको अगर हम माइनस भी कर दें, हालांकि यहां सरकार अटल बिहारी की दोबारा आ गई है, इसको माइनस कर देते हैं, 2004 में 1.92% वोटिंग कम होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है और मनमोहन सिंह की सरकार आती है। इसके बाद 2009, 2014, 2019 लगातार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। 2019 का पहला फेज वोटिंग प्रतिशत में कमी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये कमी बरकरार रहती है तो ये जो पिछला 1980 से लेके अभी तक का 2024 में अगर वोटिंग प्रतिशत कम होती है तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड साफ बताता है कि जो कुछ है यहां एक परिवर्तन की दिशा जो है वो दिखाई देती है। इस पर नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है साहब, 100% परिवर्तन हो रहा है। ये थोड़ा सा एक अलग किस्म का परिवर्तन है। ये परिवर्तन, इसमें कई चीजें शामिल हैं और कई तरह की नाराजगियां शामिल हैं। मतलब आप इसकी तुलना मनमोहन सिंह के परिवर्तन से नहीं कर सकते, नरसिंह अटल बिहारी के परिवर्तन से नहीं कर सकते, क्योंकि अटल बिहारी के शासन काल में बहुत बढ़िया काम हुआ था, कई चीजें हुई थी। और मैं कई बार कहता भी हूं कि अटल बिहारी जी को हराने में बीजेपी और आरएसएस कंबाइंड का योगदान रहा था, बीजेपी के लोगों का योगदान रहा था। मैंने कई बार कोट भी किया है कि 1999 में जो अटल जी को वोट सीटें मिली थी गुजरात में, जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे, और 2004 में जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी वहां के, तो अटल जी की सीटें आधी हो गई थी गुजरात में, क्योंकि पूरा का पूरा आरएसएस और पूरी की पूरी बीजेपी में एक जो लॉबी थी वो अटल जी को हराने में लग गई थी। 2004 में जो मनमोहन सिंह हारे वो वोट परसेंटेज कम के कारण नहीं हारे थे। ये जो एक कैंपेन चला जिसमें आरएसएस, बीजेपी और अन्ना मूवमेंट ने मिलके एक जो नैरेटिव खड़ा किया भ्रष्टाचार का, और जिसको वो सिद्ध नहीं कर पाए और बाद में सारी चीजें गलत साबित हुई, तो ये तो अटल जी और मनमोहन सिंह तो एक तरह के षड्यंत्र के शिकार हुए। ये जो चीज है जो आज चल रही है उसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। ये बहुत ही प्राकृतिक जो हो रहा है, बहुत ही नेचुरल हो रहा है, और नेचुरल ये हो रहा है कि समाज के हर वर्ग में नाराजगी है। और राहुल गांधी ने अपनी दो यात्राओं में तीन बड़े काम किए हैं। एक तो उन्होंने ये जो मैनिफेस्टो दिया है ये कांग्रेस का, ये एक्चुअल में लोगों ने जो कहा उनको वो मैनिफेस्टो है जो बताया उन्होंने, और लोग इसको यकीन इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में वो जो गारंटियां हैं एग्जीक्यूट हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये तमाम गारंटी जो हैं, जो गहलोत सरकार की आरोग्य योजना थी उसको बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है। तो इसलिए एक तो ये चीज, दूसरा ये कि विपक्ष का वोट इतना संगठित कभी नहीं रहा जितना इस समय है। मतलब 99 में भी, 1999 में भी नहीं रहा, मतलब जितना आज है, और 1977 में भी जो स्थिति थी वो अलग किस्म की थी। वो एक इमरजेंसी का जो लोगों में नाराजगी थी कि लोग इतने जेल में थे और इतनी प्रताड़ना थी। ये तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वो 18 महीने की थी इंदिरा जी के खिलाफ जो इमरजेंसी का पीरियड था, वो 75 से 77 तक का मामला था केवल, बेसिकली ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। तो मोदी जी उसको फाइट नहीं कर पा रहे हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को,
और पिछले चुनाव में जो बेसिक दो चुनाव का बेसिक फर्क ये 2014 का और 19 का कि 2014 में मनमोहन सिंह के खिलाफ इस तरह का झूठा प्रचार हुआ जो जिसका जिक्र मैंने किया जी। और 2019 में आपने देखा कि जिस तरह का संप्रदायवाद राष्ट्रवाद ये जो पुलवामा के बाद जो हुआ बालाकोट वगैरह जो हुआ राष्ट्रवाद को यानी पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए हैं उसके वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है कि किस तरह से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए हैं ये सारे फैक्टर्स इस समय नहीं है। इस समय जो नागरिक हैं वो एक तरह का जो बेचैनी है और गुस्सा है बहुत सहज है तो इस टाइड को इस तूफान को बीजेपी के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है ये मैं कह रहा हूं और ये बड़ा स्थायी किस्म का लॉस है जो इस समय दिख रहा है आपको ये बहुत परमानेंट डैमेज कर रहा है बीजेपी को और इसकी भरपाई एक लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। जो पिछले चुनाव में तो जो रिवर्स हुआ था वो वैसा रिवर्स इस बार नहीं हो पाएगा इसलिए जो इसमें बड़ी चिंता जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो बीजेपी और आरएसएस को है क्योंकि उनके एजेंडे का क्या होगा जो हिंदुत्व का एजेंडा है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं जो इन्होंने पांचजन्य और या इसका उदाहरण दिया इनके मुखपत्र का अगर याद करें तो पांचजन्य में या ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा था अभी थोड़े दिन पहले थोड़े कुछ महीने पहले कि केवल हिंदुत्व के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा मतलब अगर प्रशांत जी याद करेंगे या रविकांत जी याद करेंगे तो उसमें बहुत साफ लिखा है कि केवल हिंदुत्व और मंदिर के बल पर इस बार चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। बिल्कुल अगर मैं उसको निकाल भी सकता हूं मैंने उस पर लिखा भी है जी। हुआ क्या कि आज भी ये जो मान रहे हैं और मांग करके चल रहे हैं जो अमरोहा का भाषण है इनका पूरा का पूरा जो पोलराइज करने की जो पूरी बात है जो मेरठ में इन्होंने किया जो रुद्रपुर में किया वो पोलराइजेशन जो करना चाहते हैं वो अब इस बार लोग तैयार ही नहीं है। जितने सर्वे आए हैं सीएसडीएस का आया है या इडिना का आया है इडिना का सर्वे आप सीएसडीएस का छोड़ दीजिए उसमें हिंदुत्व को कहीं लिखा ही नहीं है और वो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी और सीएसडीएस के सर्वे में भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को 2% लोग मान रहे हैं मुद्दा है कोई और 8% जो मंदिर को मान रहे हैं। मोदी जी जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं वो गलत मुद्दा उठा रहे हैं और राहुल गांधी को वो घसीट रहे हैं कि वो भी हिंदुत्व के ट्रैप में आ जाएं। राहुल गांधी हिंदुत्व के ट्रैप से बाहर निकल गए जी। वो हाँ मतलब इस चुनाव की सबसे बड़ी खूबी ये है जो मैंने कई कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही चेंज कर लिया अपने जो उनके अपने जो मतदाता हैं उनको ही बदल दिया उन्होंने अपनी जनता ही बदल दी और मोदी जी उसी जनता पर भरोसा कर रहे हैं जो 2014 और 2019 में उनके साथ थी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है ये जो फर्क है ना और राजीव जी ये बड़ा ऐतिहासिक फर्क है ये भारत का बहुत बड़ा इतिहास बदलने वाला है। इसके अगर पश्चिमी देश भारत को पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा कि नहीं या आपने खाते क्यों फ्रीज किए पॉलिटिकल पार्टीज के तो आपको जवाब नहीं देते बन रहा ये अलग किस्म का चुनाव है। माफ कीजिए मैंने ज्यादा सामान ले लिया आपका। नहीं कोई बात नहीं वो जानना आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।